कैसी लगी फिल्म आपको? बोरिंग। क्यों, क्या क्या खासियत? सोनम कपूर की एक्टिंग बहुत बोरिंग है, बहुत बेकार है। लाइक शी कैन वर्क, शी नीड्स टू वर्क। दुलकर सलमान इज एन अमेजिंग हीरो। मुझे इंटरवल से उठ के जाना पड़ रहा है, बिकॉज इतनी बोरिंग मूवी है। मतलब स्टोरी लाइन अच्छा नहीं है, मतलब जो सोचा जाए। अगर हम लक फैक्टर के बारे में बात करें तो उसको हम और अच्छा पोर्ट्रे कर सकते हैं। मतलब क्रिकेट को आई डोंट थिंक सो उसके साथ उसको कनेक्ट करना कहीं भी सही है करंटली। सॉन्ग कैसे लगे आपको? बोरिंग। मतलब हम एंडेवर से आगे आगे की तो मुझे कुछ भी नहीं पता। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ओके, मतलब शायद तक थोड़ा और अच्छा डायरेक्शन हो सकता है। मतलब मूवी इज नॉट दैट गुड, डायरेक्टिंग भी नहीं। जोया फैक्टर, हाँ मतलब इनिशियली थोड़ी बोगस थी, बाकी उसके बाद इंटरेस्टिंग हो गई थी। तो अभी पर इंटरमिशन तक हम लोग छोड़ के आ गए, मतलब क्योंकि हम लोग कहीं और जाना था। अदरवाइज हाँ, इट्स अ नाइस मूवी, वन शुड वॉच इट। सोनम कपूर हाँ ठीक है, पर वो जो हीरो है वो ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रहा है सोनम कपूर से। तो सॉन्ग्स अच्छे हैं, अभी तक एक ही सॉन्ग आया था बस, तो सॉन्ग्स अच्छे हैं। बीच में छोड़ के जाने की कुछ वजह? नहीं नहीं, खराब नहीं है वो। हम लोगों को कहीं जाना है, मतलब हम लोग रीशेड्यूल कुछ चीज़ें होंगी इसलिए जा रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आउट ऑफ फाइव अभी तक 2.5 और 3। या फिल्म वाज गुड, नॉट सो गुड बट एवरेज। सोनम कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग वाज गुड, एज पर एज एक्टिंग इट वाज या गुड, वन टाइम वॉच मूवी। डायरेक्शन वाइज कितना बांधे रखी मूवी आपने? आफ्टर फर्स्ट हाफ वी फील लाइक दैट यार निकल जाते। सॉरी, सॉन्ग्स या सॉन्ग्स वर ओके। आउट ऑफ 2.5। कैसी लगी फिल्म आपको? मस्त थी, अच्छी थी। सोनम कपूर है हाँ, मस्त एक्टिंग किया है, मस्त क्रिकेट लाइन पे मस्त अच्छा दिखाया है। सॉन्ग्स कैसे लगे आपको? हाँ सॉन्ग्स कैसे लगे आपको? अच्छे। स्टोरी की बात करें, स्टोरी कितनी बांधी है? स्टोरी बहुत मस्त थी। आउट ऑफ 5? हाँ आउट ऑफ 5। 5 किस कितने साल लगे? आउट ऑफ 4। ऑसम। सबसे एक्टिंग सोनम कपूर की और एक्टिंग सबसे बेस्ट थी। क्या खास बात लगी मूवी में? फनी एंड क्रिकेट एंड ऑल अबाउट हार्ड वर्क। सॉन्ग कैसे लगे आपको? लाइक पेप्सी का पेप्सी सॉन्ग इज द बेस्ट। दो लाइनें गाती हैं? नहीं पूरा नहीं सुना ना इसने। आउट ऑफ 5? 5 यार। आउट ऑफ 5 कितने स्टार लगे? हां 5। फिल्म में सबसे ज़्यादा खास ये था कि जो लकी चाम वाला जो थ्रो था वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और जो उसका मेहनत भी करनी चाहिए बस ये। सोनम कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और वो जो हीरो है उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। फ्रेंड्स को देना चाहेंगे वापस? जब फ्रेंड्स को वापस आना चाहेंगे फिल्म देखने के लिए? ज़रूर। क्या फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है? फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है, फ्रेंड्स फैमिली सबके लिए। सॉन्ग्स कर रहे थे? सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे। 4.5। ठीक है, एवरेज एवरेज है। क्या कहने की, किसकी एक्टिंग की बात करते हैं? एक्टिंग अंगद बेदी की एक्टिंग अच्छी थी, बाकी सब की ओके ओके हैं। सोनम कपूर नो ठीक है, ओवर एक्टिंग था काफ़ी। ओवर एक्टिंग। गाने कैसे लगे? गाने एक गाना अच्छा था, बाकी सब ठीक है। फ्रेंड्स को बोलेंगे फिल्म देखने के लिए? नहीं 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 नहीं। आउट ऑफ 5? हाँ आउट ऑफ 5 2। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत पसंद आया मुझे। सोनम कपूर भी अच्छे लगे और वो जो हीरो थे वो भी अच्छे लगे, उनकी पर्सनालिटी मुझे दिल पे छू गई, पूरी फैन हो गया मतलब मैं। एक्टिंग वाइज किसका एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छा? दोनों 50-50, दोनों अच्छे थे, अपने अपने कैरेक्टर में दोनों अच्छे थे। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो कैसी थी? बहुत अच्छी थी स्टोरी, मतलब है फुल स्टोरी बेस्ड ही है कि हार्डवर्क करना चाहिए, लक के ऊपर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। गाने कैसे लगे? गाने अच्छे थे, उतने गाने टच नहीं हुए बट स्टोरी अच्छी लगी। गाने में खाली लास्ट वाला पेप्सी वाला ही अच्छा लगा, बाकी तो कुछ नहीं।